Hey, I'm Bhavesh and welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you about how to look attractive. तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको कुछ ईजी हैक्स बताऊँगा जिससे आप लगोगे एकदम अट्रैक्टिव. स्टार्टिंग विद टिप नंबर वन, ग्रूमिंग 2.0. अब आप सोच रहे होंगे टिप नंबर वन बोल रहा है लेकिन ग्रूमिंग 2.0 बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. उसमें थोड़ी कीक है. किक मतलब ऐसी कि अब तक आपने इतने इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर से सुना होगा ग्रूमिंग करो ग्रूमिंग करो ग्रूमिंग करो, बट मैं इस पॉइंट में डिस्कस करूँगा हैक्स के बारे में. तो अपना पहला हैक है एक्सपोलिएट योर फेस, मींस जो डेड स्किन सेल है वो एक्सपोलिएट करने के बाद वो डेड स्किन सेल निकल जाएंगे, तो उसके बाद आपका चेहरा लगेगा एकदम फ्रेश. और आप ट्राई करके देखो, जब भी आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन सेल निकल जाते हैं या फिर एक्ने निकल जाते हैं, उसके बाद आपका चेहरा एकदम टमाटर की जगह फ्रेश दिखता है. एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे लिप बाम. लिप बाम को अपने रूटीन में, ग्रूमिंग रूटीन में ऐड करना ही करना है, क्योंकि सड़े फटे काले होंठ बिल्कुल भी नहीं, वो बिग नो है. अब आपका चेहरा फ्रेश है लेकिन आपके होंठ काले, तो सबसे पहले चांद में डाग दिखता है, तो आपके फ्रेश चेहरे पे काले लिप्स ये चांद पर डाग है, तो डाग को हटाइए और लिप बॉम ऐड. टिप नंबर टू, क्लोथिंग स्टाइल. अब आपको कितना भी कोई भी समझा दे लेकिन आपके दिमाग में ये स्टार लोगों ने सेलिब्रिटी लोगों ने फिट बैठा दिया है कि फैशन सिर्फ महंगे कपड़ों से होती है, लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप लोग मैनली मस्कुलर दिखना है तो आपको सॉलिड कलर की तरफ जाना ही होगा. अब मैंने इस वीडियो में देखी है होल ब्लैक एंड पैंट में वाइट कैरी किया है. ऐसे ही आप कोई भी सॉलिड कलर पहनिए, अर्धी टोन पहनिए, जिससे आप माचो लगेंगे और आप एकदम अट्रैक्टिव दिख के आएंगे विथ लेस एफर्ट. अब क्या आप पूरे दिन में क्या वही करते रहेंगे, ये पहनूँ वो पहने वो पहनूँ? नहीं, आपको बाकी काम भी करने हैं तो और मैनली भी दिखना है. तो आप बेसिक कलर पर जाइए, ब्लैक वाइट ग्रे मरून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पे दिखी रही है. अब एक सीधा एग्जांपल देता हूँ एनिमल मूवी का. उसमें रणवीर कपूर को थोड़ा मेहंदी अट्रैक्टिव दिखाना था, तो वो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा देखना सिर्फ न्यूट्रल एंड सॉलिड कलर ही उसको पहनाया गया है, जैसे कि नेवी ब्लू ब्लैक मरून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन. उसके अलावा कोई भी कलर उसने पहना नहीं है. क्यों? क्योंकि वो माचोनेस वो अट्रैक्टिवनेस मेंटेन करने के लिए. तो गो विद दैट. नंबर थ्री में मैं आपको कोई टिप नहीं बताऊँगा या फिर कोई ज्ञान वाली बात नहीं बताऊँगा. मैं आपको दूंगा एक हेल्दी चैलेंज. हेल्दी चैलेंज में बस ये करना है, एक आईना ढूंढो, उसके सामने खड़े रहो, ज़्यादा देर नहीं, बस 24 आवर में से आपको बस 30 सेकेंड निकालने हैं. अब उतना तो कोई भी कर सकता है. अब दिन के 24 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड निकालिए खुद के लिए और अपने घर के आईने के सामने खड़े रहो और स्ट्रेट देखो अपने आँखों में. जब तक आप अपनी खुद के नज़रों में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक ये सोचना भी मत कि आप कितने भी अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े पहन लो या मेरी बताई हुई कोई भी टिप फॉलो कर दो, आप पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए ज़्यादा देर नहीं बोल रहा हूँ, बस ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और गिव 30 सेकेंड टू योर सेल्फ. टिप नंबर फोर, हेल्दी लाइफस्टाइल. अब आप में से बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से थोड़ी ना अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो तो गॉड गिफ्टेड है अट्रैक्टिवनेस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अब गॉड गिफ्टेड को भी आप नहीं संभालोगे तो वो कैसे अच्छा दिखेगा? अब आपको मैं एग्जांपल एक कुछ भी चीज़ दे देता हूँ, कांच की. आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, बराबर साफ नहीं करोगे या फिर कैचेस लगेंगे तो कैसे अच्छा दिखेगा? वैसे ही आपकी बॉडी है. तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट कीजिए. अब मुझे पता है बहुत से लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा निकालेंगे तो उसका आपका ही फ़ायदा है लॉन्ग टर्म में. और लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव दिखना है तो मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल. बहुत बता दिए मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन मैं अभी ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपको ऑफ टॉपिक लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो आपको एक हेल्पिंग नेचर क्रिएट करना है खुद का. अब क्रिएट करना है इसका मतलब फेक मत करो, लेकिन कोई आसपास आपका फ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड नहीं भी होगा, आपको जानते नहीं होंगे,
अगर वो मुश्किल में है तो गो एंड टेक द स्टेप फ्रंट एंड हेल्प दैट पर्सन। वो एक हर इंसान का काम है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये कॉमन है सबके लिए कि जो हेल्प करेगा, जो हेल्पिंग नेचर दिखाएगा, जो दूसरों के लिए हाथ बढ़ाएगा, वो अट्रैक्टिव लगता ही लगता है। अगर आप भी देखो, आप किसी मुसीबत में और कोई एक सीना चौड़ा करके आता है आपके पास कि भाई बता क्या तकलीफ़ है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा यार कितना अट्रैक्टिव बंदा है। तो ऐड करिए अपने लिस्ट में इस पॉइंट को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो मैंने बताए हुए सारे पॉइंट को अप्लाई कीजिए एंड आप 100% अट्रैक्टिव दिखेंगे। मुझे पता है आप पहले से अट्रैक्टिव है, लेकिन उसे और बूस्ट करने के लिए फॉलो माई टिप्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।